शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सबे राजेश का फोन आया था, वो कहूं थे कि बिजनेस बढ़ाने खातर 10 लाख रुपया की जरूरत है। हाँ तो ठीक से राजेश से कहिए, अपने बापू से बात कर लेगा, पैसे मिल जाएंगे। मम्मी जी आप तो जानो हो ना, पापा जी तो पैसे लेना कितना मुश्किल है। मैं तो कोशिश करूँ हूँ लेकिन 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 के लेकिन पापा जी फ्री हो जित तो मैं बात करूँ ना। जितते या नई बहू आई है, दिन रात सुबह शाम इससे क्या हो भगत में लागे रहे। अरे छोटी बहू प्रियंका कित से तावड़िया मेरे दोरे। जी पापा जी, बुलाया आपने। बहू तने सरप्राइज पसंद है ना, तो आज मैं अपनी छोटी बहू को एक सरप्राइज दूंगा। भी नई नई इस घर में आई हो तो मन्ने अब तक कोई तोहफा नहीं दिया, और बना दिया मैं जो बैठूंगा भी नहीं। क्यों भगवान, यो देख। ओ बहुत सुथरा सही हो हार तो। सुथरा है ना? हाँ मिची, यो तो आपका हार लग है। लग ना रहा, यो मेरा ही हार से। तो जाओ ना लेना। बढ़िया ना? सुना ना, यो तुम्हारा खानदानी हार से, इसने देने से पहले एक बार मेरे तबूत जल लेता। इब इसमें पूछने की के बात है भगवान, मारी छोटी बहू नई नई इस घर में आई है, इबिया अपने खानदान ने आगे बढ़ाओगी, और ऊं भी देखा जा तेई सार पे इससे का को है ने। पर कम से कम एक बार देने से पहले मेरे तो पूछ तो लेते। अरे इसमें पूछने की के बात है भगवान, इब सारी बात अड़े करेगी। प्रमोद की माँ, त्री दवाई का टाइम हो गया है, जा अपने कमरे में जा और दवाई लो, चल ओड़े ते। बड़ी बहू एक ग्लास पानी पिया देते, मेरा गला सूख लिया। ले आई किसा है बहू? बहुत बढ़िया। तो फिर अपने सुथरे गले में पैर ले इसने, ले मैं पहरा दूं। पापा जी मैं पहनूंगी जरूर, लेकिन अपना रूम में जाके। थैंक यू इतना बढ़िया गिफ्ट देने खातर। पापा जी पानी लो। पापा जी मन आप तो की मैं जरूर बात करनी है। की बात करनी है बेटा? वो राजेश का फोन आया था, वो कहूं थे कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट खातर कुछ 10 लाख रुपया की जरूरत से। दस लाख ठीक से, पर इसके बदले मन्ने के मिल रहे। के मतलब है आपका? मतबल राजेश कोई बालक थोड़ी है, वो खुद कमाओ है, बिजनेस कर रहा है। अगर इसे मैं उसने 10 लाख रुपए दूंगा तो फिर मारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। काम वो ही करना चाहिए जिसमें फायदा हो। तो किस फायदा था आपने अपनी छोटी बहू थी 5 लाख रुपया का हार दे दिया? के मतबल है तेरा? मतलब यो पापा जी के जिस दिन तक प्रियंका इस घर में आई है उस दिन तक आप उसने कोई ना कोई तोहफा दियो हो, तो यो आप बिना फायदा करो कौन? क्योंकि बिना फायदा के तो आप कोई काम में कौन करो? ठीक बोलो सुनो मैं। अरे वाई इस घर की छोटी बहू है और नई नई इस घर में आई है तो उसका तक बना इस तोहफे पे। बस करो पापा जी, अगर आप इस भ्रम में हो के मन की मैं समझ में नहीं आ रहा तो आप गलत हो, क्योंकि मैं भी जिद इस घर में नई बहू बन के आई थी तो आप मन ने भी खूब तोहफे दिया करते, लेकिन बाद में मन समझ में आया कि इसके गैल आपका मकसद कोई और था। देख तू इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी नहीं
कुछ भी कहने से पहला थोड़ा सोच समझ गए। मुँह बदनाम मत कर मने। अरे पैसे वैसे कुछ ना मिल रहे, कह दे अपने पति दे। चल निकल रहे थे। यार मने यकीन ना होता कि पापा जी ने मेरे से इतना महंगा हार दिया है। पूरा 5 लाख का हार है। एक बात तो है, जब तक मैं इस घर में आई हूँ पापा जी मेरा बहुत ध्यान रखे हैं, मेरी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखे हैं। कदे उन नमिर तो महसूस ना होने दिया कि मैं इस घर में नहीं हूँ। बढ़िया है यार, तेरी तो लॉटरी लग गई। लग गया पति देव ते ज्यादा ध्यान तेरा ससुर रखे। जिंदगी के असली मजे तो तू लूट रही है। अपने आदमी के साथ मुंबई शिफ्ट हो गया, ऐसी ऐसी है तेरी। एक हम है जो दिल्ली ते लखनऊ आ गया अपने पति के साथ में। सोचा था कुछ चेंज होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक ना हुआ। बस पापा जी हैं जो मेरा ध्यान रखे हैं। देख तेरी जरूरत का ख्याल तेरा ससुर जी भी रखे हैं। बस तू एक आदमी ढूंढ लेगी तो तेरी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। मैं तेना कॉल बैक करूं। जब भी मने इनकी जरूरत हुआ है फिर इन नींद आ जाए। छोटी बहू मने बेरा है तू प्रमोद राज्य को, और मन न्यू भी बेरा है तने कौन सी बात का दुख है? मेरे तो बढ़िया बता, इस घर में मेरे तबड़ी अतरी तकलीफ कौन समझ सका है? मैं तो उससे दिन तेरा उतरा उड़ चेहरा देख कर समझ गया था। मैं बेशक 55 का हो गया पर मेरा दिल अरगात आज भी 20 साल के छोरे तक कम नहीं है। देख तू मने अपना समझ और खुल के बता दे बात के है, तेरे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। पापा जी जितना आप मने समझो हो प्रमोद ना समझता। मैं लुगाई हूं उनकी, लेकिन आज तक लुगाई होने का सुख नहीं दिया। मेरे खातर उनकी जो जिम्मेदारी है उनका बारे में तो वो सोचे ही को नहीं। मने बेरा वो कमजोर सा है थोड़ा। बात भगवान सोना नहीं है। हाँ। मैं तेरे तो दवाई दूँ। के बात से आजकल ते मेरा गड़ाए खाल रखे से। बहू की सेवा करना पुण्य का काम होया करे, और यह सेवा मैं कती दिल तक करन लाग रहा हूँ। तू फटाफट दवाई ले ले और आराम से सो जा। या कौन सी दवाई से? या दवाई तो हमने पहले कब देना खाई? अरे वो क्या ना कि मैं एक नए डॉक्टर दौर गया था। अच्छा। उसने कही तेरे पाया का दर्द कती ठीक हो जाएगा, तावली तक गोली ले ले और सो जा। हाँ हाँ हाँ। गिलास दर्द हो तू सो जा। इस गोली से तेरा दर्द नहीं